नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपकी चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, यानी फ्यूचर के टीम मेंबर्स को प्रॉपरली इनवाइट करके उनको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से बिजनेस प्रपोजल समझाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक सुने और मन अपना बनाए रखें, ध्यान से सुने हर एक शब्द जो साहब ने लिखा है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि संक्षिप्त में आपको जो पॉइंट्स हैं वो कैसे बताऊं और क्लियरली बताऊं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती या इससे भी आगे अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखें और मुझे पूछें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब ढूंढ करके ले आऊं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे प्रिपरेशन आपने की, लिस्ट बनाई आपने, फिर आपने अपना माइंडसेट जो थोड़ा बहुत बनाया कि भाई लोगों से आप रिलेशनशिप बनाओगे, लोगों को आप डायरेक्टली बिजनेस के लिए नहीं पूछोगे, तो ये थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन आपने करना है। अब इसके आगे इसी चीज को एरिक साहब ने चार रूल बना करके आपको दिए हैं जो आपने अपने आप फॉलो करने हैं। रूल नंबर वन, आपने अपने इमोशंस को डिटैच कर लेना है रिजल्ट से। आपने अपने आप को डिटैच कर लेना है रिजल्ट से। आपका काम है या हमारा काम है कि हम लोगों तक जाए और उनको इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो टूल ज़रूरी होता है वो टूल हम उनको दें। हमारा काम है एडुकेट करना, कोच करना, ठीक है। रूल नंबर दो साहब कहते हैं, बी योर सेल्फ, मतलब आप खुद रहो, खुद बनो, खुद रहो, किसी की वैसे कॉपी ना करो, ना आप जो हो उससे अलग हटके हो करके अगले व्यक्ति को आप बताना जताना चाहो, नहीं तो होगा क्या, आप जो असल में हो और जो बन के दिखाना चाह रहे हो वो अगला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है जो बात कर रहा है, ये व्यक्ति असल में अपने आप को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कोई और बन करके मेरे साथ बात करना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है आप में, आपकी बातों में, आपके प्रेजेंटेशन में, वो नहीं आएगा। तीसरा रूल जो है, आपने अपनी बातों में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने आप में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में पैशन लाना है, फोकस लाना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ मशीन के जैसा रटर पटर 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 कर लिया, ऐसे नहीं। एक व्यक्ति से पूरी संभावना के साथ, पूरी भावना के साथ, एक मन का जो भाव है आपका, हृदय का जो भाव है, वो आपकी बातों से, आपके बिहेवियर में झलकना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर चार सबसे महत्व का है ये कि आप अपना पोस्चर जो है, अपना जो एक पर्सनालिटी है, जो एक इम्प्रेशन है, वो आप स्ट्रॉन्ग पोस्चर दें, प्रॉपर पोस्चर दें। ये नहीं कि आप खुद ढीले ढाले हो, ये नहीं कि आप अगले को बेग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि भाई मेरा बिजनेस प्रपोजल देख ले, भाई मेरा टूल जो है वो देख ले, भाई मेरे को टाइम दे दे, भाई मैं मिल लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं। You have to maintain your self-respect, you have to maintain your dignity, because you are representing a multi-million dollar company and a multi-million dollar business. तो आप कोई छोटा मोटा ऑफर या प्रेजेंटेशन लेकर के नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपको वो अपना एक माइंडसेट बनाना है, अकड़ नहीं करनी है, अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में आपने आगे बढ़ना है। तो ये चार रूल आपने फॉलो करने, अब ये फॉलो करने के लिए भी पहले आपको इसको अपने मन में उतारना पड़ेगा, आपको एक इसकी मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई आप किसी को मिलते हो तो हैंडशेक कैसे करोगे, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, बैठने में शालीनता होगी, आपके वार्तालाप में शालीनता होगी, आपके खुद के जो बाहर का जो प्रेजेंटेशन है, कपड़े हैं या आपकी हेयर स्टाइल ग्रूमिंग हो गई, आपके नाखून कटे हुए हों,
आपके जूते वगैरह ठीक हो, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको प्रॉपरली कैरी करनी है अपने साथ में। आप, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आप मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस का प्रपोजल लेकर के जा रहे हो किसी को, और आप जीन्स में या चप्पल में चले गए, या टी शर्ट चले गए, या शर्ट आपने आउट शर्ट रखी हुई है, बाल आपके बने हुए नहीं है, दाढ़ी रखी हुई है जो शेव नहीं की पिछले 2-4-6-8 दिनों से, तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, ठीक है। और ये सारा ही जब आप करोगे ना, आप अपने आप एक फील करोगे, एक रियलाइजेशन करोगे कि आप में, खुद में एक बदलाव आ रहा है। यू आर मोर प्रेजेंटेबल, यू स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ मोर विद अ मीनिंग, विद अ पर्पस, ठीक है। अब ये साहब कहते हैं कि 8 स्टेप्स हैं प्रोफेशनल इनविटेशन देने के लिए। कितने? 8 स्टेप हैं प्रोफेशनल इनविटेशन देने के लिए। ये 8 स्टेप क्या है? पहले साहब कहते हैं कि आप हमेशा थोड़े से घाई में रहोगे। घाई मतलब अनाप शनाप घाई नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर तरीके की घाई। बिकॉज आप ये मान के चलो कि जब आप बिजी होते हो और आपके पास समय नहीं होता है, तब भी आपको किसी से बात करनी है तो आप फटाफट बात कर लेते हो। कोई आपको फोन लगाता है या आपसे मिलना चाहता है तो आप फटाफट बात कर लेते हो, तो ये उसी तरीके की घाई है, और वो आपके जीवन में आएगी, तो अभी से वो प्रैक्टिस करके चलो। दूसरा, जब आप मिलो किसी को भी तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करो, आप उसके बखान करो, जेन्युइन बखान। ये नहीं कि आप मतलब लंबी लंबी छोड़े जा रहे हो, नहीं, जेन्युइन के भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, भाई आपका गेटअप अच्छा है, भाई आप कितनी जिम्मेदारी संभालते हो, आपका डिसिप्लिन अच्छा है। अगर वो समय पे आ गया तो आप उसको ये कहें कि देखो आप समय पे आ गए हो, मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी आपकी कि भाई आप वो आपने जो कहा वो आप समय पे आ गए। तीसरा, आपने इनविटेशन बनाना है, ठीक है, कि जो सूट करता है उस हिसाब से एक छोटा सा इनविटेशन आपने बनाना है। चौथा जो है कि अगर मैं तो क्या आप, इसमें साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं आपको ये प्रपोजल दिखाऊं, अगर मैं आपसे मिलना चाहूं, तो क्या आप ओपन हैं मिलने के लिए, तो क्या आप ओपन हैं इस प्रपोजल को देखने के लिए, क्या मैं अगर आपको एक एडिशनल इनकम की अपॉर्चुनिटी बताऊं तो क्या आप ओपन हैं इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए। स्टेप नंबर 5, पहला कंफर्मेशन ये ले कि एक टाइम का कमिटमेंट लें उनसे। जैसे मैंने कहा मिलने का टाइम का कमिटमेंट लिया, हाँ लिया, वो आ गए, यस। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी उनको दिखा रहे हो या ऑनलाइन भेज रहे हो या टेलीफोन पर बता रहे हो, तो वो कब इसको देखेंगे वो खुद समय तय करके बताएं आपको, और वो कमिटमेंट पे वो रहें। फिर एक बार और कमिटमेंट लेना होगा कि वो देखने के बाद जब आप बात करोगे एज अ फॉलो अप, तो वो आपसे वहाँ पे बात करें उस समय पे। आपने अगर ओपन छोड़ दिया कि मैं हाँ देख लो फिर मैं बात करता हूँ, तो ना वो सीरियस होंगे ना आप सीरियस होंगे। आपका एक टाइम कमिटमेंट लेना है, उनसे लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद तीसरा, एक फिर शेड्यूल करोगे कॉल या मिलना कि भाई पहली बार आपने मिले, मैंने आपको बताया, आपने देखा, फिर हमने हल्के से एक बात करी, अब आगे इसके ऊपर थोड़ा सा हम विस्तार पे बात करें। और उसके बाद आप अगर फ़ोन पे हो तो निकल जाओ फ़ोन से, अगर रूबरू मिले हो तो वहाँ से उठ के निकल लो कि भाई मेरे को अब दूसरी अपॉइंटमेंट में जाना है। तो ये 8 स्टेप एरिक साहब ने बताए हैं। अब इनको मैं हल्के से डिटेल में एक एक स्टेप को मैं लेता हूँ कि भाई ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी करता है कि भाई आप अगर घाई में हो तो अगला व्यक्ति भी आपका समय व्यर्थ नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अगर आप जैसे दो तरीके के मार्केट प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट होता है जो थोड़ा सा आपको जानता है, और एक होता है कोल्ड जो आपको नहीं जानता है, आप पहली या दूसरी बार ही बात कर रहे हो। तो जो हम वार्म मार्केट वाले हैं उनसे आप सीधे ये बात करो कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तेरे से एक सेकंड में 2 सेकंड में बात करूँगा, और एक बात करके मैं तेरे से फिर अगली बार बात करूँगा। तो इस तरीके से क्विकली 2 या 3 सेंटेंसेज में आपने आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है। अब अगर रहा कोल्ड मार्केट का जो प्रोस्पेक्ट है, तो उसको आप इस तरीके से बात करोगे कि भाई अभी शायद समय नहीं है तो मैं आपको भी जाने देता हूँ, बट मैंने टच बेस इसके लिए किया कि मुझे भी जाना है, तो क्या हम बात कर सकते हैं इस कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो अगला सोचेगा कि भाई अच्छा ये घाई में तो है और कुछ बात करना भी चाहता है पर अभी नहीं बताना चाहता, इसके लिए भी बात करना चाह रहा है, तो मैं उसको वैसे टाइम दूँ।
क्योंकि समय बहुत लिमिटेड और बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी है अपने जीवन में भी और अगले के जीवन में भी। अब स्टेप नंबर टू, वॉर्म मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप क्योंकि उनको जानते हो थोड़ा बहुत, आप उनकी लाइफ की जर्नी को समझते हो, तो आप उनको ये कहोगे कि भाई आपने अभी तक जो भी किया है आप उस जर्नी में सक्सेसफुल रहे हो और मैं आपका आदर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिस तरीके से आपने काम किया है बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये इंस्पिरेशन देता है। अगर कोल्ड मार्केट है और उस व्यक्ति ने आपसे पहली बार बात की है और उसने आपके साथ कोई काम किया है, तो अगेन आप उसको उस काम का एक कॉम्प्लीमेंट दोगे। अगर वो आपसे बात कर रहा है उसके प्रेजेंटेशन में, उसकी बात में अगर शार्पनेस है, तो आप उसका एक कॉम्प्लीमेंट दोगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, आपका जो कॉम्प्लीमेंट देना है या आपके जो उसके बखान करने हैं, तो वो जेन्युइनली करने हैं, सिंसियरली करने हैं, लंबी नहीं छोड़नी है। बिकॉज आप उससे रेपो बना रहे हो, आप उससे एक रिलेशनशिप बना रहे हो, तो वो आप एक फाउंडेशन डाल रहे हो। तो फाउंडेशन जो है वो हमेशा भरोसे पे, विश्वास पे बनता है और सच्चाई पे बनता है। तो सच्चाई पे बना हुआ फाउंडेशन और उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग हमेशा मजबूत बनती है, ज़्यादा टिकती है। अब तीसरे स्टेप पे हम आते हैं कि मेक द इन्विटेशन, मतलब आप इन्विटेशन, अब डायरेक्ट अप्रोच में साहब ये कहते हैं कि आप जो है आपका जो वॉर्म मार्केट होता है उसको आप ये कहें कि भाई पिछली बार जब आपने बात की थी या हम बात करते हैं, तो आप अक्सर ये कहते हो कि आप अपनी जॉब पसंद नहीं करते पर मजबूरी में कर रहे हो, या आप जो ये शिफ्ट लगाते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, या ये जॉब करते हो, ये कड़ी मेहनत का काम है, ये है, तो मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो हेल्प कर सकती है आपको इस वाले पीड़ा से या इस वाले दर्द भरे काम से छुटकारा पाने के लिए ओवर द पीरियड, तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को देखना या सुनना चाहोगे? अब इसके सामने कोल्ड मार्केट प्रॉस्पेक्ट जो है कि उसको आप डायरेक्टली पूछें कि भाई आप जो अभी कमा रहे हो या आपके पास जो दिन में जो आपके पास टाइम है पूरा, तो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के, इससे कहीं ज़्यादा हट के आप कुछ करना चाहते हो? तो अगला ये कहेगा कि भाई ये मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर, उसके साथ में, उसके अलग से वो कुछ और बताना चाह रहा है। अब ये तो जो थे दो एग्जांपल वार्म और कोल्ड के, ये मैंने बताए डायरेक्ट अप्रोच में। इनडायरेक्ट अप्रोच में ऐसा होता है कि आप जिसको जानते हो उसको ये कहोगे कि भाई मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है साइड में, ठीक है, और मैं शुरू में जब पहली बार कर रहा हूँ, नया हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो आप क्या इस बिज़नेस को सुन के मुझे बताओगे, आपकी ओपिनियन दोगे कि भाई ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो इससे क्या हुआ, आपने उसको पिच नहीं किया पर आपने उसको बता दिया, आपने उसको पिच नहीं किया पर आपने उसको बता दिया। और इसी तरीके से जो कोल्ड मार्केट का प्रोस्पेक्ट होता है उसको आप कहोगे कि भाई मैं जिस कंपनी को या बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो आप जहाँ पे हो अभी, जिस एरिया में हो, काम कर रहे हो, रह रहे हो, वहाँ पे एक्सपांड कर रही है, तो अब आप इस बिज़नेस को आपके एरिया से, या आप बिकॉज रहते हो, आपको पता है लोग कैसे होंगे, क्या होंगे, तो आप क्या मुझे गाइड कर पाओगे कि ये बिज़नेस आपके एरिया में कैसे चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? तो वो इनडायरेक्टली आपने उसको बिज़नेस बताया भी और उसकी ओपिनियन या राय पूछी फ्रॉम हिज एरियाज पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इसके आगे साहब ये कहते हैं कि इसके ऊपर भी एक सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है, जो है कि आप प्रोस्पेक्ट को मिलते हो और उसको ये नहीं कहते कि भाई तू मेरा प्रोस्पेक्ट है, कि भाई तू मेरा प्रोस्पेक्ट है, उसको आप ये कहते हो कि भाई मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, ये इस तरीके से प्रोडक्ट लाइंस हैं या सर्विस लाइंस हैं, शायद तेरे काम की ना हो, शायद तुझे इंटरेस्ट ना हो, पर तू ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है तेरे सर्कल में या तेरे सोशल सर्कल में जो इसको शायद पसंद करे और इस काम बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीसरा अप्रोच है, सुपर अप्रोच है टू मेक एन इनविटेशन।
अब चौथे स्टेप में आते हैं इफ आई वुड यू, जैसे अगर मैं आपको बुलाऊं तो आप आओगे, अगर मैं आपको ये दूं तो आप लोगे। तो इस तरीके से ये इफ आई एंड वुड यू के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर रूबरू मिलते हो आप किसी को, तो अगर भाई मैं मिलना चाहता हूं तू मिलेगा, या मैं इस समय पे मिलना चाहता हूं तू मिलेगा, या मैं तू मेरे ऑफिस आ, मैं तुझे ऑफिस में मेरा इनवाइट करता हूं तू आ पाएगा। तो इस तरीके से एक मैं पहले कुछ दूंगा फिर रेसिप्रोकेट करके तुम कुछ दोगे, तो पहले देना और फिर लेना, दिस इज द साइकोलॉजिकल पॉइंट हियर। अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज पहले आप पूछते हो एक कमिटमेंट के साथ में, और उसका फिर इनपुट आता है या रिप्लाई आता है। तो आप पूछ रहे हो, आप एक अथॉरिटी हो, आप एक यू हैव मोर वेट कम्पेयर टू द अदर गाय, ठीक है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चलनी है, आपने अपनी एक लेवल बना के चलनी है, तो ये पॉइंट और वो पॉइंट ऐसे सिंक होता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 कन्फर्मेशन, कि भाई अगर मैंने तेरे को ये सीडी दी, या तेरे को मैंने ये ईमेल पे लिंक भेजी, या मैंने तेरे को यहाँ पे बुलाया और हम मिले, तो तू क्या इस बात को देखेगा, इस अपॉर्चुनिटी को सुनेगा, देखेगा, कब देखेगा? तो वो कहेगा मैं हाँ ज़रूर देखूँगा, फिर टाइम कमिटमेंट के भाई 10 बजे देखेगा या 12 बजे देखेगा, या मैं घर जाते वक्त ट्रेन में बैठ करके देख लूँगा। तो वो जो टाइम है वो जब कह रहा है, तो उसके बाद इमीडिएटली आपको एक सेकेंड अपॉइंटमेंट उसके साथ सेट करनी है, कैन बी ओवर द फोन, कैन बी इन पर्सन, कैन बी थ्रू एन ईमेल, के भाई ओके आपने अगर इसको 6 बजे देखा या आपने इसको रात को 8 बजे देखा, तो क्या जैसे 6 बजे है तो क्या मैं आपको शाम को 7-7:30 बजे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, रात को 8 बजे देखी तो क्या मैं सुबह सुबह आपसे बात कर सकता हूँ? तो फिर एक टाइम कमिटमेंट के साथ में एक अपॉइंटमेंट आपने लेनी है उसके साथ में। वो कहेगा हाँ ठीक है बात करते हैं, इफ इज और शी इज़ पॉजिटिव माइंड, ठीक है। इसके बाद तीसरा कॉन्फर्मेशन ये लेना है कि अब मैं तेरे साथ में बात, जैसे सेकंड कॉल में बात कर ली, तीसरे कॉल में समझ में आ गई हाँ आ गई, फिर सेकंड कॉल में तीसरे कॉल की कॉन्फर्मेशन लेना है टू काइंड ऑफ मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, एक और अपॉइंटमेंट। तो ये कैसा है साहब, कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता है काम, पहले झटके में नहीं होता। पहले झटके में रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, या नहीं भी अगर करते तो दे वॉन्ट टू रियली स्टार्ट द जर्नी, पर ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं उनका धीरे धीरे पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो अब ये जो अप्रोचेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके जैसे ही आपकी बात बन गई खत्म, वहां से आप हट जाओगे, इधर ऑन द फोन और ऑन द पर्सन। ज़्यादा लंबी लचाक लपाड़ेबाजी नहीं करनी, टाइम पास नहीं करना है, आप अपना काम से काम रखें और निकल जाएं। बिकॉज जैसे ही आप एक प्रोस्पेक्ट को मिलोगे, आपका स्केड्यूल भरा हुआ होना चाहिए दूसरे प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए। तो अगर दूसरे प्रोस्पेक्ट को मिलना है तो नेचुरली आप वहां से उस पहले प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी मीटिंग नेचुरली ख़त्म करोगे, और नहीं करोगे तब भी कर देनी, अगर भले ही पीछे अपॉइंटमेंट हो या ना हो, आपने लिमिटेड टाइम से लिमिटेड शब्दों में बात करके वहां से वो मीटिंग को या फोन कॉल को काट देना है, ठीक है। तो ये है साहब के पहले जो 4 रूल बताए और फिर ये 8 स्टेप बताए कि इस तरीके से आपने काम करना है, और इन स्किल्स को, वो रूल्स और इन स्टेप्स के स्किल्स को वो आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने हैं, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी मास्टरी हो जाए। और जब आपकी मास्टरी हो जाएगी, आप भरोसा कीजिए कि आप इस काम को, इस तरीके को, इस लहजे को, और अपने आप को इतना प्रेम करोगे, इतना स्नेह दोगे, कि ये चीज़ आप अपने आप को कहोगे कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं सीखी, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, इसमें आपको इतना मज़ा आएगा, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूँगा, और इसके पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट में जो आपके मन के विचार हों वो लिखें, कोई प्रश्न हो वो लिखें, कोई सजेशन हो वो लिखें, और
वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर करें अपनी टीम में इस बात को। और मैं जैसे ये साहब की बुक है, हर एक चैप्टर को मैं एक एक करके ले प्रेजेंट करूँगा, बट उसके बाद मेरी ये सोच है कि मैं एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मैं और डीपली बताऊँगा। आई एम थिंकिंग दैट, तो उस विचार पे भी आप अपना एक रिप्लाई या रिकमेंडेशन बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।